हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि उन्हें बहुत फेस पे स्वेट आता है, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो करते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खाने में ज़्यादा शुगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा फैट होता है उतनी ही कैलरी, जितना आप कैलरी बर्न करते हैं जितना फैट होता है, फैट आप थोड़ा भी चलते हैं तो आप थकते, पसीना आता है, तो आपको फैट है आपकी बॉडी में बहुत, तो वो बर्न होगा तो स्वेटिंग होगी। आप अगर टेंशन में मेकअप कर रहे हैं या आप मेकअप करके बहुत हड़बड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप रश करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है। नॉर्मल है, ये सबको ही होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अगर बहुत ही ज़्यादा होती है तो वो एक बीमारी होती है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के बैठे बैठे बिना, अगर वो टेंशन नहीं भी लिए हुए हैं, वो चिल कर रहे हैं, वो आराम से भी बैठे हैं, तो भी उनके पाम में भी बहुत पसीना आता है, तो लोगों की होती है ये शिकायत। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो सही आपको इलाज बता पाएंगे। पर जो जनरली जैसा होता है, जिसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना कम ऑयल आएगा उतना ही कम पसीना आएगा। आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा लें और थोड़ा सा वाटर लें और उससे अच्छे से स्क्रब करें। तो उससे स्क्रब करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है, एक ब्राइट लगता है आपको फेस और स्वेट उतनी नहीं आता है जितना जनरली आएगा आपको। उसके बाद आप प्राइमर लगाएं। ये मेरा कैल का पोर मिनिमाइज़र है, पोर करेक्टर प्राइमर एक्चुअली। तो आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कीजिए जो कि मैट इफ़ेक्ट देता हो, और आप फाउंडेशन यूज़ कीजिए मैट के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लॉरियल मैट मिजी, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, खूब मैट है ये, मतलब बहुत लंबा चले दे टिकेगा आपका मेकअप इसके बाद। और एक और ट्रिक है, आपने मैटिफाइंग प्राइमर लिया, आपने मैटिफाइंग फाउंडेशन लिया, आपने आइस ऑलरेडी कर लिया, आपने बेकिंग सोडा भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको स्वेटिंग होती है तो क्या करना है आपको। ये जैसे कॉम्पैक है, कॉम्पैक में ये मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक यूज़ कर रही हूँ। ये रोज़ वाटर लिया है मैंने, ये ऐसी खाली शीशियाँ बहुत मिलती हैं बॉटल्स मार्केट में, तो आपको इससे, आपको अगर रोज़ वाटर नहीं आपके पास तो आप वाटर भी चलेगा, इससे थोड़ा सा इस तरह गीला कर लें। अब जब ये गीला हो गया है तो अब इससे कॉम्पैक लें और फिर सेट करें। आपको जनरली टी जोन ये होता है, ये वाला एरिया, इसे कहते हैं टी जोन। फोरहेड में, चिन एरिया, इस तरफ बहुत स्वेट आता है, तो आप बस ये कर लें तो आपका स्वेट बहुत कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका पूरा मेकअप सील कर देगा और आपका मेकअप मूव नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।